गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर के लेक्चर नंबर 5 में हम प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं। जो प्रीवियस लेक्चर में हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसी को आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे बच्चों। तो फर्स्ट 2 एग्जांपल्स मैंने आपको प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, आज हम एग्जांपल नंबर 3 से शुरू करेंगे। हियर क्वेश्चन नंबर 3, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन हियर, इफ द डेंसिटी ऑफ अ गैस एट सी लेवल इज 1.5 मिलीग्राम पर लीटर, फाइंड द डेंसिटी ऑफ दैट गैस ऑन माउंट आबू हैविंग प्रेशर 0.5 bar। देखिए बच्चों, क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी गई है सी लेवल पर। तो पहले जैसे ही सी लेवल आता है, समुद्र का जो लेवल है उस पर प्रेशर हमेशा 1 bar रहता है, ये पहले चीज़ आपको पता होना ज़रूरी है। यानी कि आपको इनिशियल प्रेशर कितना दे दिया, 1 bar ड्यू टू द सी लेवल, राइट। एंड डेंसिटी कितना दे दिया बच्चों, 1.5 मिलीग्राम पर लीटर। सेकंड प्रेशर आपको कितना दे दिया, 0.5 bar। तो अभी आपको क्या फाइंड करना है, डेंसिटी, सेकंड डेंसिटी आपको कैलकुलेट करना है। तो बच्चों, हमने बॉयल्स लॉ में देखा था कि D1 अपॉन P1 इक्वल्स टू D2 अपॉन P2, क्योंकि डेंसिटी और प्रेशर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये किसका लॉ है, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ। बॉयल्स के लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, डेंसिटी एंड प्रेशर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बच्चों, यहां पर आपको D1 डेंसिटी कितना दिया है, 1.5 डिवाइडेड बाय प्रेशर P1। P1 मैंने बोला सी लेवल पर है, इसीलिए प्रेशर कितना होगा हमेशा 1 bar। आपको क्या फाइंड करना है, D2, और ये कितना है आपके पास, 0.5। तो बस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, D2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 1.5। क्लियर है बच्चों, क्या आंसर आएगा, 0.75 मिलीग्राम पर लीटर इज द डेंसिटी एट द माउंट आबू। माउंट आबू तो आप जानते ही होंगे, है ना, जब भी वीकेंड आता है तो हम कहाँ चले जाते हैं, माउंट। ओके, तो वहाँ पर आपको बात की गई है डेंसिटी की, वो कितना होगा, 0.75 मिलीग्राम पर लीटर। क्लियर है बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप, एट 127 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ O2 गैस इज3 liter। At which temperature
द वॉल्यूम ऑफ ऑटो गैस, द वॉल्यूम ऑफ ऑटो गैस विल बी हाफ देखिए बच्चों, आपको यहां पर एक टेम्परेचर दिया गया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको एक वॉल्यूम दिया गया है 3 लीटर, और नेक्स्ट टेम्परेचर आपसे पूछा गया है और वॉल्यूम कर दिया है पहले का हाफ, यानी कि आपको यहां पर जो चार्ल्स का लॉ है वो अप्लाई करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। टेम्परेचर हमेशा किस में रखना है बच्चों, केल्विन में। अब देखिए आपके पास V1 का वैल्यू है 3 लीटर, V2 का वैल्यू है 3 का आधा कितना होगा 3/2 1.5 राइट। T1 127 डिग्री सेंटीग्रेड है, 127 प्लस 273 कर दीजिए आप कितना हो जाएगा 400 केल्विन, तो T2 फाइंड कर लीजिए आप। फटाफट से वैल्यू पुट कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 400 इक्वल्स टू 1.5 और ये T2 लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, T2 इक्वल्स टू 400 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 3, ये कट हो जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 200 केल्विन। अब केल्विन आया, अगर आपको उसको डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है तो -73 डिग्री सेंटीग्रेड इज ए एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, क्योंकि 200 -273 करना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा बच्चों -73 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिए आप इसको फटाफट। आई थिंक नोट डाउन हो गया होगा आप सभी का। चलो बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल में चले, अभी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 5 है आपका। At constant pressure and 125 degree centigrade temperature, helium is filled. Helium is filled in a container. Having volume 2 liter. If the temperature in degree centigrade, then find the volume of helium gas of
हीलियम गैस एट दैट टेम्परेचर। देखिए आपके पास दो अलग अलग टेम्परेचर है, यहाँ 125 डिग्री सेंटीग्रेड है, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में डबल हो रहा है, यानी 125 की जगह कितना हो गया बच्चों 250 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। वॉल्यूम आपको दिया गया है 2 लीटर एंड सेकंड वाला वॉल्यूम आपको फाइंड करना है अगेन अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लो। चार्ल्स लो क्या बोलता है, V1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। आपके पास V1 है, आपके पास T1 है, आपके पास T2 है, आपको V2 कैलकुलेट करना है। तो V2 कैलकुलेट करना है तो आप कैसे लिखेंगे, V2 इक्वल्स टू V1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1। बस वैल्यू पुट कर दीजिए आप, V1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 लीटर इंटू T2 यानी कितना हो गया 250 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वो कितना केल्विन हो जाएगा, 250 प्लस 273, ये 250 प्लस 273 एंड ये 125 प्लस 273, तो आप डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे 523 केल्विन डिवाइडेड बाय 398 केल्विन। बस आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 2.628 लीटर इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। मिल गया वॉल्यूम आपको, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 4 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स आपको गिवन है, 6-1 यू हैव टू कैलकुलेट, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट हियर। नाउ वी आर मूविंग एग्जांपल नंबर 6 हियर, नोट डाउन कर लीजिए आप उसको। इन ए क्लोज्ड वेसल At 27 degree centigrade temperature, N2 dinitrogen is filled, having pressure 2 bar। कितना pressure है बच्चों 2 bar। Find the pressure of gas if the temperature is 77 degree centigrade। देखिए बच्चों अभी आपको क्या देखना है, एक क्लोज वेसल है जिसमें कि टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, उस टाइम पे प्रेशर कितना है 2 बार, और जब आपका टेम्परेचर कर दिया 77 डिग्री सेंटीग्रेड तब आपको प्रेशर पूछा गया है, यानी कि आपसे बात की गई है प्रेशर और टेम्परेचर के रिलेशनशिप की, जो कौन सा होता है गैल्यूसेक लॉ। अकॉर्डिंग टू गैल्यूसेक क्या होता है बच्चों, P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन T2। देखिए अगेन 4 वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल्स आपको पता है, P1 आपके पास है 2 बार, T1 आपके पास है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, T2 आपके पास है 77 डिग्री सेंटीग्रेड एंड P2 यू हैव टू कैलकुलेट। अब देखिए बच्चों P2 कैलकुलेट करना है तो आप क्या करेंगे, P1 इंटू T2 डिवाइडेड बाय T1, बस वैल्यू पुट कर दीजिए फटाफट, कुछ नहीं करना है आपको। P1 कितना है 2 इंटू T2 77 प्लस 273 केल्विन कितना आएगा 350, और T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 27 प्लस 273 तो 300 केल्विन। 2 इंटू 350 700 डिवाइडेड बाय 300 कितना आएगा 2.33 बार इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। ओके बच्चों फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप इसको।
हो गया बच्चों, नोट हो गया अच्छे से? नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7 हियर। इन ए क्लोज्ड वेसल ऑफ 400 केल्विन temperature, the pressure of Cl2 gas is 4 bar, at which degree centigrade temperature At which degree centigrade temperature the gas is having pressure 5 bar। देखिए बच्चों, आपको एक क्लोज वेसल में पहले टेम्परेचर कितना दिया है, 400 केल्विन, तब प्रेशर कितना है 4 bar। अब आपको पूछा है नेक्स्ट टेम्परेचर कितना होगा, वो भी डिग्री सेंटीग्रेड में, जब प्रेशर कितना हो जाएगा 5 bar। अगेन यू हैव टू अप्लाई द गैलियोसेक लॉ, P1 upon T1 equals to P2 upon T2। P1 का वैल्यू है 4, P2 का वैल्यू है 5, T1 का वैल्यू है 400 केल्विन, तो T2 लाना है, सिंपल। तो आप इसको अप्लाई करेंगे नेक्स्ट, तो आपको T2 लाना है, तो आप क्या करेंगे, P2 into T1 divided by P1, P2 कितना है 5, T1 कितना है 400 केल्विन, divided by P1 कितना है, कितना आ जाएगा बच्चों, सीधा सा 500 केल्विन, सीधा सा आंसर है। बट आपको क्वेश्चन में किस में लाना है, डिग्री सेंटीग्रेड में, तो 500 केल्विन माइनस 273 कर दो आप, तो आपको आंसर किस में मिल जाएगा, डिग्री सेंटीग्रेड में 227 डिग्री सेंटीग्रेड इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है, फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए आप। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, सिंपल क्वेश्चन है, 4 वेरिएबल्स है ना, ये आपको कैलकुलेट करना है, बाकी 3 की वैल्यू आपको दी गई है, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। नेक्स्ट क्वेश्चन कंबाइंड गैस इक्वेशन पर देख लेते हैं। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 4 bar प्रेशर एंड 4 bar प्रेशर कार्बन मोनोऑक्साइड इज फिल्डेड इन 3 liter वेसल, इन 3 liter वेसल, फाइंड द प्रेशर if it is filled in 4 liter vessel at 77 degree centigrade temperature। देखिए बच्चों, आपके पास दो टेम्परेचर है, एक 27 डिग्री सेंटीग्रेड, एक 77 डिग्री सेंटीग्रेड।
आपके पास एक प्रेशर है 4 bar और वॉल्यूम है 3 liter और आपके पास नेक्स्ट वॉल्यूम है 4 liter। बस आपको एक प्रेशर फाइंड करना है, यानी यू हैव टू गो विद कम्बाइंड गैस इक्वेशन P1V1 upon T1 equals to P2V2 upon T2। देखिए आपके पास P1 का वैल्यू कितना है 4 bar, V1 का वैल्यू कितना है 3 liter, T1 का वैल्यू 273 प्लस 27 कितना हो जाएगा 300 केल्विन, राइट। यहाँ पर P2 यू हैव टू कैलकुलेट वॉल्यूम कितना है 4 liter एंड T2 कितना है आपको 77 डिग्री सेंटीग्रेड, तो कितना हो जाएगा वो 350 केल्विन। बस बच्चों आपको सिर्फ P2 निकालना है, तो आप P2 निकाल सकते हैं आराम से, वैल्यू पुट करना है। P1 का वैल्यू कितना है 4 इंटू, V1 का वैल्यू कितना है 3 इंटू, T2 ऊपर चला जाएगा कितना हो गया 350 डिवाइडेड बाय 300। जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यूज, नथिंग एल्स। एंड यहाँ पर आपको वॉल्यूम भी दिया गया, वो कितना है बच्चों 4 liter। बस आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा 2.33 bar। इज इट क्लियर टू एनीवन? बच्चों आपको सिर्फ ये फॉर्मूले में एक अननोन वेरिएबल है, वो कौन सा है यहाँ पर P2, वो आपको कैलकुलेट करना है। सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। बच्चों आज की क्लास में यहाँ तक ही कंप्लीट रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करेंगे हम, है ना, क्लियर है? तो यहाँ तक आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। ओके, थैंक यू।